हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी क्लोज। माय नेम इज प्रशांत मिश्रा। आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियाज सेक्सुअल माइनॉरिटीज के बारे में, मतलब LGBTQ कम्युनिटी के राइट्स के बारे में। इंडिया का उनका अभी क्या स्टेटस है इनके बारे में। तो ये लेक्चर बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप UPSC के प्रिपरेशन कर रहे हो या स्टेट PCS के प्रिपरेशन कर रहे हो, बिकॉज सीधे सीधे सोसाइटी से ले लो, सोशियोलॉजी ऑप्शनल से ले लो, एथिक्स से ले लो, एसए से ले लो, आप कहीं भी इसको यूज कर सकते हो। इस लेक्चर में ऐसे ऐसे पॉइंट्स में बताऊंगा, आप डायरेक्टली उनको मेंस आंसर राइटिंग में यूज कर पाओगे। तो ध्यान से देखना और अच्छे से समझना। तो स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि हम लोग रोज आपके लिए 6 बजे लेके आते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे लेक्चर। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उसको जरूर देखा करो, अच्छी सीरीज है। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सौरभ कृपाल नाम से एक राइटर है, उन्होंने बुक लिखा है सेक्स एंड द सुप्रीम कोर्ट, जिसमें उन्होंने बताया है कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट्स दिए हैं LGBTQ कम्युनिटी के फेवर में और कैसे वो जजमेंट्स इवॉल्व होके सामने आया है। बेसिकली बुक में इन्होंने क्या लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है इंडिविजुअल राइट के लिए, इंडिविजुअल राइट्स के फेवर में उभर के सामने आई है। अगर सोसाइटी और इंडिविजुअल राइट्स की जहां पे लड़ाई हो रही है, सोसाइटी वर्सेस इंडिविजुअल, तो सुप्रीम कोर्ट ने किसको फेवर किया है? इंडिविजुअल को। कैसे किया है? सोसाइटी क्या बोलती है? सोसाइटी ये बोलती है कि होमोसेक्सुअलिटी गलत है, और इंडिविजुअल राइट क्या बोलता है कि इंडिविजुअल को जो चाहिए वो अपने सेक्सुअलिटी के साथ जैसे चाहिए वैसा ओरिएंटेशन रख सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने किसके फेवर में जजमेंट दिया है? तो ऑब्वियसली इंडिविजुअल के फेवर में दिया है। 2018 का बहुत ही फेमस जजमेंट है, मैक्सिम लोगों को पता होगा, नौतेज सिंह जौहर ए वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस में, जिसमें IPC की जो धारा है 377, उसमें वो वाला पोर्शन जो होमोसेक्सुअलिटी को क्रिमिनलाइज करता था उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया गया। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने और क्या बोला कि ये इरेशनल है, इनडिफेंसिबल है और मैनिफेस्टली आर्बिट्रेरी है। तो ऑब्वियसली इससे जो LGBTQ कम्युनिटी है उसकी डिग्निटी और आइडेंटिटी मेंटेन करने के लिए ये बहुत ही बड़ा कदम आप इंडियन हिस्ट्री में या फिर इंडियन लीगल हिस्ट्री में आप इसको समझ सकते हो। इसके बाद से क्वीर लिबरेशन मूवमेंट जो है उसको क्या मिला? बूस्ट मिला। इसके पहले क्या केस हुए? नाज फाउंडेशन वर्सेज गवर्नमेंट ऑफ NCD ऑफ दिल्ली 2009 में, उसमें एक केस आया सेक्सुअलिटी को लेके, इक्वालिटी को लेके। वहां भी जो हाई कोर्ट था, हाई कोर्ट ने ये बोला कि आर्टिकल 14 जो है उसका वायलेशन करता है सेक्शन 377। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने 2009 में बोल दिया और सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली 2018 में बोल दिया। तो इससे क्या हो गया? इससे जो आपका 377 के आर्टिकल्स हैं, जो 377 के क्लॉजेस हैं जो होमोसेक्सुअलिटी को प्रिवेंट करते हैं, उसको क्या करते हैं? क्रिमिनलाइज करते हैं, उनको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया, हटा दिया गया। बट ये एक अच्छी लाइन है, आप कहीं भी एग्जाम में आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो। डिस्पाइट द जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, फुल इक्वालिटी इज स्टिल अ पाई इन द स्काई फॉर द क्वीर कम्युनिटी इन इंडिया। ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद से भी क्या नहीं हुआ? सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद से भी आज फिर भी वही हालत है कि इनकी जो एक्चुअल राइट है, मैरिज करने की राइट, एक अपॉर्चुनिटी ऑफ इक्वालिटी एम्प्लॉयमेंट में या फिर किसी और जगह, इनको फुली रिकॉग्नाइज अभी नहीं किया जा रहा है। तो इसीलिए बोला जा रहा है फुल इक्वालिटी इज स्टिल इन अ पाई इन द स्काई। अब हम क्या बात कर रहे हैं, अभी डिस्क्रिमिनेशन ये लोग फेस कर ही रहे हैं, सेक्सुअल माइनॉरिटीज जो है ये डिस्क्रिमिनेशन किसमें फेस कर रहे हैं? एम्प्लॉयमेंट में, हेल्थ में, पर्सनल रिलेशनशिप में, हर जगह डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं। फुल ऑटोनॉमी इनको अभी तक मिल नहीं पाई है जिसको एड्रेस करने की रिक्वायरमेंट है। फिलहाल अभी अभी जो यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने क्या किया, लीगल सैंक्शन देने से अपोज किया। दिल्ली हाई कोर्ट में LGBTQ+ के जो एक्टिविस्ट हैं उन्होंने क्या किया, वहां पे दिल्ली हाई कोर्ट से एक अपील किया। तो अपील में एक बात निकल के आई, गवर्नमेंट ने वहां पे ये बोला कि सेक्शन 377 डीक्रिमिनलाइज करने का ये मतलब नहीं हुआ कि सीधे सीधे सेम सेक्स को मैरी करने का फंडामेंटल राइट मिल जाए। मतलब 377 तो डीक्रिमिनलाइज हो गया, ठीक है,
बट इसका ये मतलब नहीं हुआ कि सेम सेक्स जो कपल हैं वो क्या कर लें, मैरी कर लें, इसका एक फंडामेंटल राइट उनको डायरेक्टली मिल जाए, तो ये उनको नहीं मिला है, ऐसा यूनियन ऑफ इंडिया दिल्ली हाई कोर्ट में रिसेंटली उसने कहा। जस्टिस एंथनी कैनेडी हैं यूएस के, उन्होंने 2015 में एक जजमेंट था, एक केस था, उस केस में उन्होंने ये बात बताई थी कि मैरिज की सोशल वैल्यू क्या है, जो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज है उसका इमोशनल और सोशल वैल्यू बहुत ज्यादा है, क्योंकि यूनिवर्सल ह्यूमन राइट के लिए जरूरी है कि जो सेम सेक्स वाले कपल हैं वो लोग भी शादी करें, उनके इमोशनल हेल्थ के लिए, उनकी सोशल वैल्यू के लिए ये काफी ज्यादा है। अगर आप वर्ल्ड का स्टेटस अभी देखोगे तो 29 कंट्रीज ऐसी हैं जो लीगली, जिन्होंने लॉ बना करके सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज कर लिया है, और इंडिया में भी अभी चाहिए यही कि सेम सेक्स मैरिज को लॉ बना के आइडेंटिफाई कर लिया जाए, उसको भी सिंक्रोनाइज कर लिया जाए। क्या हमें आर्टिकल 15 अमेंड करने की जरूरत है? आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 कहता है कि डिस्क्रिमिनेशन बाय द स्टेट नहीं होना चाहिए, स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। किस ग्राउंड पे नहीं कर सकता? रिलीजन के ग्राउंड पे, रेस के ग्राउंड पे, कास्ट के ग्राउंड पे, सेक्स के ग्राउंड पे और प्लेस ऑफ बर्थ के ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। इक्वालिटी इसमें मेंशनड है। तो अब इसको क्या अमेंड करके क्या करेंगे हम लोग, इसमें जेंडर और सेक्सुअल ओरिएंटेशन भी लगा सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर और सेक्सुअल ओरिएंटेशन। तो क्या ऐसा किया जा सकता है? ये लीगल कम्युनिटी में ये भी चर्चा चल रहा है कि अगर जो भी एक्टिविस्ट वगैरह है वो कोर्ट जाते हैं तो वहां पे ये चर्चा हो सकता है, बट अमेंड करने का काम कौन करेगा? अमेंड करने का काम पार्लियामेंट ही करेगा। तो पार्लियामेंट पे क्या इस पर डिबेट होना चाहिए, आप कमेंट में जरूर लिख के बता सकते हैं। अदर कंट्रीज में क्या प्रैक्टिस है उसको देख लेते हैं। साउथ अफ्रीका की बात करते हैं। 1996 में साउथ अफ्रीका ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशनली क्या किया, डिस्क्रिमिनेशन सेक्सुअल ओरिएंटेशन पे बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट वगैरह करके। उन लोगों ने जो टर्म्स यूज किए, जेंडर, सेक्स, प्रेगनेंसी, मैरिटल स्टेटस, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, ये सारे वर्ड वहां पे इंक्लूड कर लिए गए, क्योंकि जो कि डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट है, मतलब इन बेसिस पे अब वहां पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, वहां के कॉन्स्टिट्यूशन ने सीधे सीधे रिकॉग्नाइज कर लिया। तो क्या इंडिया जो गांधी जी का नेशन है वो क्या नेल्सन मंडेला के नेशन से उनको कुछ सीखना चाहिए? तो ऑब्वियसली हमें भी जरूर सीखना चाहिए, हमें भी ये प्रोग्रेसिव कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जरूर करना चाहिए। अगर बात करें यूके की, यूनाइटेड किंगडम की, तो यूनाइटेड किंगडम ने भी 2017 में लॉ पास किया जिसको हम लोग बोलते हैं एलन ट्यूरिंग लॉ। एलन ट्यूरिंग कौन है? बहुत लोग हो सकता है जानते हो बट कुछ लोग नहीं जानते होंगे, मैं तो बता दूंगा एलन ट्यूरिंग है कौन। फिलहाल ये समझ लो कि उनको भी कन्विक्ट किया गया था होमोसेक्सुअलिटी को लेकर के, 2000 और वो गुजर चुके हैं, 2017 में उनके नाम पे लॉ पास किया गया, और उससे क्या हुआ, जो लोग भी होमोसेक्सुअलिटी से लेकर के कन्विक्टेड थे उनको पार्डन ग्रांट किया गया, एमनेस्टी ग्रांट किया गया, इवन पोस्ट थॉमस भी जो लोग मर चुके हैं उनके लिए भी ये चीज लागू होता है कि जो लोग भी पहले होमोसेक्सुअल रह चुके हैं और उनको क्रिमिनल कन्विक्ट किया गया है वो क्रिमिनल नहीं थे, ऐसा क्लॉज यूके गवर्नमेंट ने निकाला। एलन ट्यूरिंग है कौन? एलन ट्यूरिंग एक बहुत ही ज्यादा फेमस और इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। वर्ल्ड वॉर 2 को इंग्लैंड वर्ल्ड वॉर 2 जब जीता जर्मनी से, तो ऑब्वियसली उसको जिताने में एलन ट्यूरिंग का बहुत बड़ा रोल है। कैसे रोल है? इन्होंने कोड ब्रेक किया। कोड कैसा ब्रेक किया कि जैसे जर्मनी जो था, जर्मनी में हिटलर था, तो हिटलर क्या करता था, अलग अलग अपने सैनिकों को कोड देता था कि कैसे उनको ब्रिटिश आर्मी पे अटैक करना है और कहाँ कहाँ अटैक होने वाले हैं। एलन ट्यूरिंग ने कंप्यूटर उस समय बनाया और उस कोड को हैक किया, और कोड हैक कर लेने के बाद इंग्लैंड उस वर्ल्ड वॉर को जीत पाया एक तरह से जर्मनी के अगेंस्ट। जर्मनी में कौन था? हिटलर। तो हिटलर के अगेंस्ट जीतना सबके लिए बहुत जरूरी था। बट हुआ क्या बाद में, 1952 में एलन ट्यूरिंग को ग्रॉस इंडिसेंसी के लिए, इंडिसेंसी किस पे, होमोसेक्सुअलिटी पे बेस्ड इंडिसेंसी के लिए कन्विक्ट कर दिया गया, और मरने के बाद अभी 2013 में मान लो आप शायद, उनको पोस्ट थॉमस पार्डन दिया गया। ठीक है, पार्डन मतलब कि हाँ
जो उस समय कन्विक्ट किया गया था वो सही नहीं था, क्योंकि होमोसेक्सुअलिटी कोई क्राइम नहीं है, ऐसा बोला गया। आप देख सकते हो, ये है वो फेमस पर्सनालिटी एलन ट्यूरिंग। इन पे एक मूवी बन चुकी है, मूवी का नाम है द इमिटेशन गेम। यही वो कंप्यूटर है जो मूवी में दिखाया जाता है। तो क्या एलन ट्यूरिंग जो थे, एलन ट्यूरिंग 42 ईयर्स के उम्र के पहले मर गए, जब उनको होमोसेक्सुअलिटी के लिए क्रिमिनल ऑफेंस माना गया और उनको सजा सुनाई गई, तो उनको ये बोला गया या तो आप जेल में चले जाओ और या तो आप केमिकल कैस्ट्रेशन ट्रीटमेंट लो, जिससे आपके बॉडी का जो केमिकल है वो चेंज हो जाए और होमोसेक्सुअलिटी से कन्वर्ट होके आप हेट्रोसेक्सुअल बन जाओ, जैसा कि नॉर्मल होता है। बट क्या किया, 42nd बर्थडेट के पहले ही ये अपने घर में मौत पाए गए, मृत अवस्था में पाए गए। और ये अब आप खुद ही से सोच सकते हो कि ऐसे बहुत एलन ट्यूरिंग रहे होंगे, ठीक है, जिनको कहीं ना कहीं, कहीं से भी वो अगर होमोसेक्सुअल हैं और वो खुल के दुनिया के सामने नहीं आ पाए। बहुत सारा ऐसा इन्वेंशन था जो वो कर सकते थे, और ऐसा फ्यूचर, ऐसे बहुत एलन ट्यूरिंग हो सकते हैं जो कि होमोसेक्सुअल हैं, बट ऐसे वर्ल्ड को ऐसा कुछ कंट्रीब्यूट करके जा सकते हैं। अगर ये कुछ और साल जीवित रहते तो वर्ल्ड को और कुछ बहुत कंट्रीब्यूट करके गए होते। तो इट्स ए काइंड ऑफ शेम फॉर द होल वर्ल्ड कि इन हमारे कारण या वर्ल्ड के कारण, ऐसे लॉस के कारण इनको अपनी लाइफ गंवानी पड़ी। तो ये सुसाइड था या फिर वो ऐसे ही एक्सीडेंटल पॉइजनिंग था, ये अभी तक इसका कोई प्रूफ नहीं है, बट ऑब्वियसली उन्होंने अपना जान जरूर गंवाया। ठीक है, इंडिया में क्या होना चाहिए, इंडिया में ऐसा क्या होना चाहिए? तो इंडिया में भी ऐसे सेम काइंड के लॉज बनने चाहिए जो साउथ अफ्रीका में बने, जो इंग्लैंड में बने। जस्टिस एफ नरीमन ऐसा बोले थे नौतेज सिंह जौहर केस में, गवर्नमेंट को ऐसा उन्होंने आदेश दिया था कि जनरल पब्लिक को, ऑफिशियल्स को, पुलिस ऑफिशियल को सेंसिटाइज किया जाए। सेंसिटाइज किस रिगार्डिंग किया जाए, कि LGBTQ कम्युनिटी से रिलेटेड जो स्टिग्मा है उसको दूर किया सके, और ये मास मीडिया और ऑफिशियल चैनल के थ्रू किया जा सकता है। बट गवर्नमेंट ने इसके रिगार्डिंग अभी तक कोई इफेक्टिव कदम उठाए नहीं है। ये जरूरी है कि स्कूल और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को भी सेंसिटाइज किया जाए, और हेट्रोनॉर्मेटिविटी का जो मिथ है उसको डीकंस्ट्रक्ट किया जाए। हेट्रोनॉर्मेटिविटी मतलब जो हेट्रोसेक्सुअलिटी होता है, जो डिफरेंट सेक्स के बीच जो भी अट्रैक्शन होता है वही नॉर्मल है, उसके अलावा जो है वो एब नॉर्मल है। इस मिथ को क्या किया जाए, डीकंस्ट्रक्ट किया जाए, क्योंकि यही मिथ जो है यही होमोफोबिया का कारण बनता है। आप होमोफोबिक क्यों होते हो, कोई भी होमोफोबिक क्यों होता है, अगर दो सेम सेक्स के लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं तो अगर कोई उनसे डर रहा है तो क्यों डर रहा है, उनसे घृणा कर रहा है तो क्यों कर रहा है? इसी वजह से कर रहा है क्योंकि उसको लगता है कि सेम सेक्स के बीच कोई अट्रैक्शन होना पाप है, गलत है, वो नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल क्या है, अपोजिट सेक्स वाला ही सिर्फ नॉर्मल है, ये वाला नॉर्मल नहीं है। तो उसको डीकंस्ट्रक्ट करने की जरूरत है। रोहित डे के नाम से एक ऑथर है, ये है रोहित डे, इन्होंने बुक लिखा है अ पीपल्स कॉन्स्टिट्यूशन द एवरीडे लाइफ ऑफ लॉ इन द इंडियन रिपब्लिक करके। इस बुक में इन्होंने मेंशन किया है कि कैसे इनफैक्ट बहुत ही ऑर्डिनरी सिटीजन भी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के तहत लॉज और पॉलिसीज में चेंजेस ला सकते हैं। इन्होंने एग्जाम्पल दिया है प्रोस्टिट्यूट्स का, बुचर्स का, रिफ्यूजीज का, वेजिटेबल वेंडर्स का, जो कोर्ट में गए और अलग अलग कंट्रीज की बात कर रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करने पे मजबूर किया, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कराने पे मजबूर किया। क्विरिस्तान के लिए अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक बहुत ही ब्यूटीफुल आर्टिकल, ब्यूटीफुल बुक रहा है, आप ऐसा बोल सकते हो, बट बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहा है। एक बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल एंजल रहा है बट इफेक्टिव अभी तक बहुत ज्यादा नहीं रहा, बट अभी टाइम चेंज करने की जरूरत है। बट सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है इस चेंज को लाने की वो सिविल सोसाइटी पे है, और साथ साथ पे LGBT कम्युनिटी पे ही इटसेल्फ है। तो इस आर्टिकल में ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं जो डायरेक्टली उठा के आप आंसर राइटिंग में कहीं भी यूज कर सकते हो, इवन एसेज और एथिक्स में भी यूज कर सकते हो। टॉपिक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे स्पेशल कोर्सेज के लिए 20% डिस्काउंट अगर आपको पाना है, ये वाले कोर्सेज फटाफट कोर्स यूज करो और अवेल करो। नए अगर वन डे एग्जाम्स की अगर आप प्रिपरेशन करते हो, हमारा नया यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर लो। थैंक यू, जय हिंद।